यार तुम इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो? अरे इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना। अरे मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, पर भाई उपाय तो बताओ, हम भी तुम्हारी तरह ज्ञानी बनना चाहते हैं। अच्छा तुम भी मेरी तरह ज्ञानी बनना चाहते हो? हाँ भाई, इसके लिए तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। अरे क्या कष्ट झेलना पड़ेगा, अरे तुम्हें गुलामी भी करनी पड़ेगी। मैं ज्ञान प्राप्त कल सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हंस क्यों रहे रे पागल? क्योंकि मैं उठता ही 9 बजे हूँ। अच्छा तो कल सुबह फांसी देना कैंसल, आज शाम में देंगे। लेके चलो साले, मेरे पैसे कब देगा? पैसे कब देगा मेरे? अबे साले, ये कोई तरीका है पैसे मांगने का? अच्छा तू सिखा दे। चल मैं सिखाता हूँ तेरे को पैसे कैसे मांगते हैं, ठीक है? यही खड़ा रहे। साले मेरे पैसे कब देगा? सीख गया, सीख गया? अब तू खड़ा रहे, मैं करता हूँ, ठीक है? पैसे मांग। रोल कैमरा एक्शन। ऐसे निरेख न मखना रे मेरा पतंग। ए कट 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 कट, तू साला डांस कर रहा है कि पाद रहा है रे? अरे सॉरी सर, गलती से निकल गया। लास्ट चांस दीजिए, अब अच्छा से करेंगे। करेगा? हाँ सर करो, अच्छा से करना, ठीक है? ठीक है सर। रोल कैमरा एक्शन। ऐसे निरेख न मखना रे अरे अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हो भैया? अभी तू क्या करते यहाँ पर? कुछ तो नहीं भैया। पैसा निकाला अंदर, देखे 50 रुपया मेरा? नहीं तो, नहीं तो हम पुलिस है रे। अरे भैया, अरे नहीं भैया। प्यारे पागलों को मोर देखे, चांद को चकोर देखे, तुझको नसीबों वाला। कहाँ गया वो खेत में हगने वाला? पाँच लाख तो मिलेगा ना? किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। अरे अखिल भाई, तेरा तो पेट एकदम मटके जैसा है, नीचे नल भी लगाए, पानी पिएगा? अरे साले गजब बेइज्जती। तेरी आंखों में डर क्यों नहीं दिख रहा मुझे? जरा ठीक से देखो चाचा, अंदर ही होगा। प्रिया उड़, पूजा उड़, पूजा उड़, पिंकी उड़, पिंकी उड़, प्रीति उड़, प्रीति ना उड़ता टहल दे, टहल दे। प्रीति हमारे गर्लफ्रेंड लगो। सलामी के बाद लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, मगर मेरे दोस्त सच बात तो यह है कि 4 लोगों के बिना कोई जाता नहीं और 2 लोगों के बिना कोई आता नहीं। हर तगड़ी मैच करी भाई तन, मैं कुछ गलत कर तू पता? ना ना ना, ये बढ़िया। हर घड़ी अरे क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठी हो? अरे यार सब कहते हैं कि तमीज से बात किया करो, तुम्हारे पास तमीज का नंबर है क्या? भगवान के नाम पे कुछ दे दे भैया। अरे दामाद जी आप? अरे ससुर जी, सॉरी ससुर जी, अपने घरों भीख मांगने आ गया। दामाद जी भिखारी हैं?
अरे भाई वो लड़की देख मुझे हंस हंस के देख रही है। अबे साले वो तुझे हंस हंस के नहीं देख रही है, वो तुझे देख के हंस रही है, नीचे देख। तो भाई सब ठीक है ना? हाँ भाई सब ठीक है। भाई तेरे 100 रुपए बाकी थे ना? हाँ भाई। ये ले 50, 50 बाद में दूंगा। ठीक है भाई। और भाई मेरे 100 रुपए? ये ले 50, 50 बाद में दूंगा। और भाई मेरे 100 रुपए? ये ले 50, 50 बाद में दूंगा। ये ले भाई तेरे बाकी के 50 रुपए, तेरा मेरा हिसाब बराबर। ये ले भाई तेरे बाकी के 50 रुपया, तेरा मेरा हिसाब बराबर। ये ले भाई तेरे बाकी के 50 रुपए, तेरा मेरा हिसाब बराबर। चलो मिलते हैं। ठीक है भाई। सूरज भाई क्या आवाज है? पहले पूजा ने हाँ कर दी। छोटा सा मेरा जहाँ है। अरे वाह ये तो अच्छा बात है, पर उसने हाँ कैसे की? मैंने उससे पूछा कि तुम किसी और से प्यार करती है, तो उसने हाँ कर दी। क्यों? दुनिया का सबसे घटिया दिन होता है जन्मदिन। उस दिन सब लोग अपना होने का ढोंग करते हैं और मुंह पे बोलेंगे तुम जियो हजारों साल, फिर पीठ पीछे सोचेंगे ये साला कब मर जाए। अरे लिपस्टिक लगाई हुई कुछ लड़कियां अपने मुंह में गोलगप्पे इतने आराम से छोड़ती हैं कि जैसे हलवाई गरम तेल में पकौड़े छोड़ता है। अरे सोने के टाइम पर मच्छर ऐसे परेशान करने आ जाते हैं कि जैसे इनके हिस्से का 15 लाख हमारे पलंग के नीचे ही दबा है। जब लड़की शादी करके ससुराल आती है तो बिल्कुल अनजान रहती है, और शादी के 1 साल बाद, अरे मैं सब जानती हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती है, इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती हैं। बेचारी औरतों का किस्मत ही फूटी है। अरे पूरी सर्दी में मटर छीलने और मेथी साफ करने में निकल गई, अब पूरी गर्मी में नींबू निचोड़ने में और कूलर में पानी भरने में निकल जाएगी। शादीशुदा लोग संडे को ऑनलाइन नहीं आते क्योंकि उस दिन उनकी नागिन उनके पास ही रहती है। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। अरे आदमी भले ही अपनी बीबी को कभी गुड मॉर्निंग न बोले, लेकिन दूसरे की बीबी को मॉर्निंग विश करना कभी नहीं भूलता। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। अरे जब लड़की अपने पिता के घर रहती है तो रानी बन के रहती है, और जब पहली बार ससुराल जाती है तो लक्ष्मी बन कर जाती है, और फिर ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इसी तरह लड़कियां रानी लक्ष्मी बाई। मैं नजर चेक करवाने गया था तो डॉक्टर ने पूछा ये कितने का नोट है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब धूप में चेक करके आता हूँ। तो मैं बाहर निकला, देखा साला 2000 का नोट था। फिर क्या, डॉक्टर आज तक मुझे ढूंढ रहा है। पहले मैं एक ही दुकान पे रोज कचौरी समोसे खाता था, फिर एक दिन मैंने उसकी गले की दराज में बीटेक्स मलहम देख लिया। गर्लफ्रेंड की इतनी किल्लत चल रही है यार कि उसके हिस्से का प्यार भी पत्नी को ही करना पड़ रहा है। पता नहीं लोग शादी के बाद अपनी बीबी से इतना डरते क्यों हैं। हमने तो आज साफ साफ कह दिया भाई ठंडी बहुत है, बर्तन तो सुबह ही मांजेंगे। पैसे दे दीजिए भैया। हट बे, पैसा तो नहीं मेरे पास। भैया 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 कुछ खिला दीजिए भैया। क्या खाएगा? आलू चाव। अच्छा ठीक है लेकर। ये भगवान क्या जुलूम है। सर्दियों में किसी दुकान पे जाके आइसक्रीम मांग लो तो पास में खड़े लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे हमने चरस मांग लिया हो। पापा
पति को हस्बैंड क्यों कहते हैं? बेटा पत्नी उनकी सारी जिंदगी हंस हंस के बैंड बजाती है, इसीलिए उन्हें हस्बैंड कहते हैं। सुनो जी, खाने में क्या बना हूँ आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास? ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? अरे काहे परेशान है, क्या करूं यार, बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो यार मेकअप बंद करवा दो। अरे यार बिना मेकअप के बीबी बर्दाश्त नहीं होती। आई लव यू। तुम शराब पीते हो? हाँ बिल्कुल पीता हूँ, रोज पीता हूँ। इसका मतलब बहुत सारे पैसे कमाते हो। आई लव यू टू। भगवान गणेश के दो बीवियाँ थी, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि, और हम इंसानों के सिर्फ एक बीबी होती है, वो भी जिद्दी। सुनो जी, अब तुम रोज चुकंदर खाया करो। अच्छा, अब तुम्हें खून भी हाई क्वालिटी का पीना है। सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो। मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। पाँच का पाँच पंदुनी दोस, आ दिल में हमारा गोलू तू बॉस। छौका छौ छौ दुनी बारे, आ चप्पल से लागम तोर बुखार अभी झारे। अच्छा कुछ लोग काम ही डांट खाने वाला करते हैं। जब पत्नी ने एक बार कह दिया कि वो 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, तो हर आधे घंटे बाद पूछने की क्या जरूरत है कि और कितना टाइम लगेगा। नीतिक बिहारी, तो चलिए आप लोगों को कुछ आज नया क्रिएटर में दिखाते हैं कि हमारा कॉमेडी वीडियो कैसे शूट होता है। और हाँ, हमारे हम लोग जिस यूट्यूब पे काम करते हैं वो यूट्यूब या चैनल का नाम अमित टॉक्स कॉमेडी है, तो आप लोग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो चलिए दिखाते हैं कि कॉमेडी वीडियो शूटिंग कैसे होता है। हम पहुँच चुके हैं अपना वीडियो शूटिंग। देखिए यहाँ शूटिंग हो रहा है और उधर देखिए हम, तो देखिए ये वीडियो गलती हो गया था, कितना जोर से चौका। और देखिए हमारा कैमरामैन कहाँ बैठल है, ऐसी लाइव में बनिए और दिखाते हैं। इसमें एक बबली है, एक रोहन है, एक धीरज है और एक अमित भैया है, ये अपना शूटिंग कर रहे हैं। यहाँ शूटिंग हो रहा है, कैसे गोलू जी खड़ा होकर शूटिंग कर रहे हैं, उधर धीरज और अमित भैया और रोहन। हेलो, और भाई क्या कर रहे हो? अभी खा रहा हूँ यार। अबे अकेले अकेले? अबे बीबी के ताने खा रहा हूँ, आजा तू भी खा ले। बचपन ही सही था यार, लोग पैसे भी देकर जाते थे और साथ साथ पप्पियां भी। संविधान में डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं है, ये तो साइकिल के डंडे पे लगने वाली सीट है जिस पे रोने वाले बच्चे को बिठाया जाता है। अगर कोई इंसान मर जाता है तो रिश्तेदार बहस करते हैं कि रोटी हमारी तरफ से होगी, और वही इंसान जब बीमार होता है तो साला कोई नहीं कहता है कि दवाई हमारी तरफ से होगी। पति एक कान से सुनता है तो दूसरे कान से निकाल देता है, जबकि पत्नियां दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल देती हैं। सास के बच्चे को सुधारने के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो भोली औरतों। अरे जो अपनी माँ से नहीं सुधरे वो अपने बच्चों की माँ से कैसे सुधरेंगे। दिमाग शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है, ये 24 घंटे चलता रहता है और ये जन्म से लेकर तब तक चलता है जब तक कि शादी नहीं हो जाती। अबे हे, हाँ चलिए बता, लड़कियां अगर पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? लड़कियां अगर पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? अरे चोर होते हैं। वो कैसे? क्योंकि इनकी नजर हमेशा पराया धन पे ही होती है।
कुछ लड़कियां तो शादी के पहले बड़ी 30 मार खान बन के फिरती हैं और फिर शादी के बाद किसी टकले के साथ गोलगप्पे खाते दिखती हैं।